ओके जी, हमारे पास जो आज हमारा टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी, ESCAPE वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। वो इनिशियल वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू आ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल इसलिए कह रही है कि ये जो हमारे पास मूव करेगा, ये दो डायमेंशन में भी मूव करेगा, या सिंगल में भी, अगर सिंगल में नहीं करेगा, दो डायमेंशन में, एक्स और वाई दोनों एक्सिस में मूव करेगा, इसलिए हम उसको नाम दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल का। द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू अ प्रोजेक्टाइल, इसको हम कह सकते हैं द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, कम से कम जो होती है ना, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू अ प्रोजेक्टाइल इन ऑर्डर टू गो आउट ऑफ अर्थ, इन ऑर्डर टू गो आउट ऑफ अर्थ। अर्थ के कहाँ से बाहर चला जाए? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हमने वो मिनिमम वेलोसिटी जो हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोवाइड करें ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, वो हमारे पास कहलाता है, आपके पास क्या कहलाता है? एस्केप वेलोसिटी। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास ये जो एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे पास किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी के। और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में फाइंड की थी, और वो हमारे पास जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, कि क्या है पोटेंशियल एनर्जी? APE, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे पास बराबर थी, वो हमारे पास किसके बराबर थी? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वो हमारे पास बराबर थी जी स्मॉल एम कैपिटल एम जी एम एम ओवर आर के, जी एम एम ओवर आर के। आर इज योर आर्बिट्रेरी सम डिस्टेंस। और जो काइनेटिक एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड करनी है, देखिए जो अर्थ के अगर हमारे पास बॉडी को हम शुरू में देंगे काइनेटिक एनर्जी ताकि वो मूव करना शुरू करे, और वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी है जो उसने अचीव करनी है, ठीक है, तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो बराबर आ जाएगी इज इक्वल टू 1/2 mv² के, 1/2 mv² के, तो वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी? 1/2 mv² के। ये वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो हमने उसको प्रोवाइड करनी है ताकि वो इस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को क्रॉस करके जमीन की हदूद से बाहर चला जाए, जमीन की हदूद से बाहर चला जाए। अब ये तभी पॉसिबल होगा कि अगर मेरे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी किसके? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारे पास, क्योंकि बॉडी का जो इनिशियल पॉइंट होता है वहां पर उसकी सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, और मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी सारी की सारी एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। हमने उसको काइनेटिक एनर्जी इतनी देनी है कि वो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए। इसका मतलब है आपके पास एपी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर आनी चाहिए किसके? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। तो उसका मतलब है 1/2 mv² बराबर आना चाहिए किसके? जी एम एम ओवर आर के, जी एम एम ओवर आर के। अब अगर ये दोनों बराबर है तो इसमें से एम और एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, टू इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्मॉल एम और स्मॉल एम कैंसिल आउट, और मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो मेरे पास कुछ यूं बन जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी एम डिवाइडेड बाय आर। अब मुझे ये जो वी स्क्वायर है इसमें सिर्फ और सिर्फ वी चाहिए, क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वी चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास क्या बचेगा, v इक्वल अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाय आर। ओके जी, अच्छा अब इसमें जो उन्होंने किया हुआ क्या है, उन्होंने ये किया हुआ है एज जी एम एम ओवर आर स्केयर बराबर होता है एम जी के, जी एम एम ओवर आर स्केयर बराबर है एम जी के। इसका प्रूफ अगर, ओके जी, जी जी एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्केयर, आर स्केयर क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ, आर स्केयर इक्वल टू एम जी। अच्छा जी, एक हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है दो जो चीज़ें आपस में एक दूसरे को वो कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, और दूसरा जो एम जी है वो भी फोर्स है, और वो फोर्स कौन सी है, वो फोर्स है जिसके जरिए ग्रेविटी आपके पास बॉडी पर एक्ट कर रही होती है। अगर मैं इसमें से इधर से जो एक आर है उसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं दूसरी तरफ, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, जी एम एम ओवर आर जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर, एम और एम आप कैंसिल आउट कर लेंगे, तो मेरे पास दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, जी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर, जी मल्टीप्लाई बाय आर। इसका मतलब है जी एम ओवर आर बराबर है जी आर के। ये आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो एम जी यानी वेट है उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों अगर बराबर है जी एम ओवर आर जी आर के बराबर है, तो यहाँ पे जो जी एम ओवर आर है उसकी जगह पे मैं जी आर लिख सकता हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन चेंज होकर कुछ यूं बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी जी हमारे पास टू टू टाइम्स स्मॉल जी मल्टीप्लाई बाय आर कैपिटल आर। अब ये जो वेलोसिटी निकलेगी ये हमारे पास वो इनिशियल वेलोसिटी है जो हम प्रोजेक्टाइल को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जमीन की हदूद से बाहर जा सके, ताकि वो जमीन की हदूद से बाहर जा सके। अब जो हमारे पास कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी बराबर है इक्वल टू 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वेयर के जी -2, न्यूटन मीटर स्क्वेयर के जी -2 के। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारे पास एम है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ बराबर है 6. नहीं, मास ऑफ अर्थ 6 × 10^24, 6 एक्सपोनेंट 24 kg के बराबर है। स्मॉल जी बराबर है 9.8 m/s, m/s या ms-1 जो भी आप लिखना चाहिए, स्मॉल जी, सॉरी ये है स्मॉल जी, स्मॉल जी इक्वल टू। ओके जी, एक चीज बीच में रह गई वो है आर, व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और वो बराबर है 6.4 × 6.4 × 6 मीटर, ये हमारे पास है रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आप ये सारी वैल्यूज में से इस फार्मूले में या तो वैल्यू पुट करें या हमारे पास इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, ये जिनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, इस फार्मूले में या हमारे पास इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आते हैं, और वो सेम रिजल्ट में वेलोसिटी जो निकलती है एस्केप वेलोसिटी वो बराबर आती है इक्वल टू 11.2 एक्सपोनेंशियल 3 m³/s
सॉरी ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इधर मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएगी एस्केप वेलोसिटी जो हमारी आएगी 11.2 इंटू 10 रेज टू पावर 3। ये वो इनिशियल वेलोसिटी है जो हम अगर प्रोजेक्टाइल को प्रोवाइड करेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल जमीन की हदूद से बाहर निकल जाएगा, वो प्रोजेक्टाइल जमीन की हदूद से बाहर निकल जाएगा।